नमो नमः मित्राणी, मैं डॉक्टर नीलमणि त्रिपाठी चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों देखिए, आज टीजीटी संस्कृत सुग्रासोपदेश के अंतर्गत मैं दूसरा गद्यखंड लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। मित्रों पहले गद्यखंड शुरू करने से हम पहले 2 मिनट के लिए सरस्वती वंदना करेंगे, उसके बाद फिर चालू करते हैं। ओम शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमा माध्यम जगद्व्यापिनी मेरा पुस्तक धारिणी अभयराम जाड्यांधकार हस्ते स्वादिगमालिकां विदधते पद्मासने संस्थितां मन्दे ताम्बरमेश्वरीं भगवतीं मोदे प्रदां शारदां शारदा शारदां भोज पदनामदनां भुजे सर्वदा सर्वदा अस्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात् नमो नमः मित्राय। तो मित्रों देखिए, आज दूसरे गद्यखंड के अंतर्गत जैसा कि सुखदास जी तारापीठ नाम के राजा के मंत्री हैं और तारापीठ का पुत्र है चंद्रापीठ, चंद्रापीठ के राज्याभिषेक का समय है और उस समय जो है सुखदास जी के द्वारा उपदेश दिया जा रहा है। दूसरा गद्यखंड आप लोग मित्रों पढ़ें। गर्भेश्वरत्वम अभिनव यौवनत्वम अप्रतिम रूपत्वम आमानुष शक्तित्वम चेति महतीयम खलु अनर्थ परंपरा सर्व विनयानाम एकैकम अपि एषाम आयतनम किमुतः समवायः किमुतः समवायः यवनारम्भे च प्रायः शास्त्रजल प्रक्षालन निर्मलापि काल्स्यम उपयाति बुद्धि अनुंजित धवलतापि सरागैव भवति यूनां दृष्टिः अपहति च वातेव शुष्कपत्रम् समुद्भूत रजो भ्रांति रतिपुरम् आत्मेच्छया यौवन समये पुरुषं कृतिः इन्द्रिय हरिहारिणी च सततम् अति दुरंता इयम् उपभोगमिगतस्निका नव यौवन कसायिता आत्मनः कसायित आत्मनश्च सलिलान इव तानि एव विषय विषस्वरूप रूपाणि आस्वाद्यमानानि मधुरतराड्या पतन्ति मनसः नाशयति च दिङ्मोहः इव उन्मार्ग प्रवर्तकः पुरुषम् अत्यासंगो विषयेषु पुरुषम् अत्यासंगो विषयेषु। अब देखिए मित्रों, इसको इसकी व्याख्या आप देखें। जैसा कि कल मैंने आपको बताया गर्भेश्वरत्वम, अब यहां पर गर्भ से ही ईश्वरत्वम माने प्राप्त ऐश्वर्य वाला, जन्म से ही जो मतलब जिसके पिता जो है पहले से ही राजा है ऐसे गर्भेश्वरत्वम अभिनव यौवनत्वम जबतः प्राप्त ऐश्वर्य, जन्म से ही जो ऐश्वर्य को प्राप्त है, जन्मतः प्राप्त ऐश्वर्यम जन्म से जो ऐश्वर्य को प्राप्त है अभिनव यौवनत्वम और नई जवानी से युक्त है युवावस्था से परिपूर्ण है। कहा जो है गर्भ से ही जो राजा का पुत्र है उनके पिता राजा हैं तभी वह गर्भ में आता है, तो जन्मतः प्राप्त ऐश्वर्य वाले जन्मतः प्राप्त जो है जो धन और संपत्ति तथा सभी से युक्त रहने वाले हैं तथा फिर देखें मित्रों अभिनव यौवनत्वम अभिनव यौवनत्वम अभिनव यौवनत्वम का मतलब नई युवा अवस्था से परिपूर्ण अभिनव अभिनव माने नवीन यौवनत्वम युवा अवस्था से परिपूर्ण अप्रतिम रूपत्वम अत्यंत सुंदर
अमानुष शक्तित्व, नामानुष शक्तित्व, अमानुष मानुष शक्तित्व, जो मनुष्य नहीं है अर्थात दैव शक्तियों से युक्त अनुपम सौंदर्य वाले और अलौकिक शक्ति से युक्त, अलौकिक शक्ति से युक्त शक्तित्व चेति महतीर इयं खलु अनर्थ परंपरा, खलु माने निश्चय ही, इयं माने यह महान अनर्थ को जन्म देने वाली क्या है परंपरा है, कारण कोटि है, यह निश्चय ही अनर्थों की महान परंपरा को जन्म देने वाली है। मित्रों देखिए, जो अगर सुंदर होता है तो सुंदरता का उसको घमंड होता है, जो धन से युक्त होता है उसको धन का घमंड होता है, जो ऐश्वर्य से युक्त है उसको ऐश्वर्य का घमंड होता है, और इनके पास तो तीनों शक्तियां हैं, गर्भ से ही जो ऐश्वर्य से युक्त है और नवयौवनत्वम नवीन अवस्था से युक्त है, अप्रतिम रूपत्वम और अप्रतिम सुंदर है, और अमानुष शक्तित्वम च, और अमानुष शक्ति अलौकिक शक्ति दैवीय शक्तियों से युक्त है। महती खल इयम अनर्थ परंपरा, यह महान अनर्थकारी परंपरा हुआ करती है। सर्वां सर्व अविनयानाम एकैकम अपि एस साम आयतन, कहा ये जो है इनमें से एकैक एक एक, कहा इन चारों में से गर्भे स्वरत्वम अभिनवनत्वम अप्रतिम रूपत्वम तथा च अमानुष शक्तित्वम, ये चार चीजें जो हैं, कहा इनमें से अगर किसी के पास कोई एक चीज भी हो जाए तो एकैक एक एक एकैक एक, में देखिए मित्रों यहां पर दीर्घ दीर्घ संधि है, एकैक एक एक क्या है, एकैक सर्व अविनयानाम सभी प्रकार के अविनम्रताओं को, एसाम आयतनम यह जो है क्या है, सभी अभिनयों की क्या है निवास स्थान है, सभी प्रकार के अविनम्रताओं को जन्म देने वाला यह स्थान है। कौन एक एक जो इसमें अनर्थकारी परंपराएं हैं गुण है, यह एक भी अगर जिसमें है तो वह भी जो है क्या करता है कि उसको नष्ट करने वाला होता है, सभी प्रकार के अभिनयों को दोषीलताओं को जन्म देने वाली होती है। किमतः समवाय, तो इसके समूह का कहना ही क्या है, जिसके पास अगर केवल रूप हो जाए तो वह घमंड से युक्त हो जाता है, केवल धनवान हो जाए तो वह भी धन का घमंड करने लगता है, केवल अगर दैवीय शक्तियों से युक्त हो जाए तो उसका घमंड करने लगता है। किंतु हे पुत्र चंद्रापीन, तुम्हारे पास तो सारी चीजें हैं, किमतः समवाय, तो समवाय का कहना ही क्या है, समूह का तो कहना ही क्या है। युवा अवस्था यवनारंभे च प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि कालस्यम उपयापि बुद्धि, कहा शास्त्र जल युवा अवस्था के यवनारंभे, युवा अवस्था के प्रारंभ में, यवनारंभे युवा अवस्था के प्रारंभ में, कहा प्रायः, प्रायः माने अक्सर ज्यादातर, शास्त्र जल प्रक्षालनम अपि निर्मलात, कहा बुद्धि जो मनुष्य की बुद्धि होती है शास्त्र रूपी जल से धुल करके निर्मल होने पर भी, शास्त्र रूपी जल से धुल करके निर्मल होने पर भी, शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलात, शास्त्र रूपी जल से तमाम प्रकार के वेदों के द्वारा, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद वैदिक ऋचाओं के द्वारा, उपनिषदों के द्वारा, अन्य प्रकार के शास्त्रों का उद्धरण प्रसंग आदि उदाहरणों को देते हुए समझाने के द्वारा, समझाए जाने पर भी ऐसे शास्त्र जल के द्वारा प्रक्षालित की गई, धुली गई, स्वच्छ की गई बुद्धि भी कालुष्यम उपयात, कलुषता को प्राप्त हुआ करती है, कलुषता को प्राप्त हुआ करती है, कलुषित हो जाती है। किस कारण से, यौवन आरंभ है, युवावस्था के आरंभ में यौवन का ऐसा प्रभाव होता है कि यौवन की स्थिति में मित्रों चाहे जितना भी शास्त्र पढ़ा दिया जाए,
चाहे कितना भी वेद पढ़ा दिया जाए, कितना भी पुराण पढ़ा दिया जाए, लेकिन युवा अवस्था का ऐसा प्रभाव होता है कि व्यक्ति को मदांध बना देती है। युवा अवस्था तनाव और झंझावात की अवस्था होती है। इसलिए हे चंद्रापीड, हे पुत्र, क्योंकि युवा अवस्था के प्रारंभ में प्रायः शास्त्र जल के द्वारा प्रक्षालित की जाती हुई स्वच्छ की गई बुद्धि कलुषता को प्राप्त हो जाती है, इसलिए तुम्हें समझाना जरूरी है। आनंजित धावलतापि सरागैव भवति यूनाम दृष्टि। युवनाम दृष्टि युवकों की दृष्टि क्या होती है? तो युवकों की दृष्टि कैसी हो जाती है? युवकों की दृष्टि स्वच्छता का त्याग न करने पर भी, स्वच्छता का त्याग न करने पर भी अनुंजित, अनुंजित धवलता अपि शास्त्र का क्या करने पर भी, कहा कि जो है युवकों की दृष्टि स्वच्छता का त्याग न करने पर भी राग से युक्त ही रहती है। स्वच्छता का त्याग न करने पर भी सरागैव, राग माने अनुराग से, आसक्ति से युक्त हुआ करती है। युवकों की दृष्टि जो होती है मित्रों, अनुंजित धवलता अपि, अनुंजित धवलता माने स्वच्छता, स्वच्छता को अनुंजित माने त्यागे हुए भी रागैव भवति यूनाम दृष्टि। यूनाम माने युवकों की जो दृष्टि होती है, ये युवा अवस्था का ऐसा प्रभाव होता है कि किसी को भी किसी समय जो है कहां पहुंचा देगा उसका कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए जो है सुखनास यहां पर उपदेश करते हुए कह रहे हैं कि यूनाम दृष्टि, युवकों की दृष्टि, युवक माने युवा अवस्था से परिपूर्ण जो प्रौढ़ है, जवानों की दृष्टि, जवानों की दृष्टि जो है राग माने आसक्ति से युक्त हो जाया करती है। कहीं कोई अच्छी फुलझड़ी देखे तो वहां पर जो है उनकी दृष्टि पहुंच जाती है। तो कहने का तात्पर्य है मित्रों कि ये इस प्रकार की जो है आसक्तियां निश्चित रूप से युवकों की हुआ करती है। अपहरत च वात्तेव, अपहरत च वात्तेव, और यह दूर कर दिया करती है। वात्तेव माने हवा की भांति, शुष्क पत्रम, जैसे सूखे पत्तों को, जैसे सूखे पत्तों को हवा उड़ा करके, समुद्भूत रजो भ्रांति अतिदूरम आत्मेक्षया यौवन समय पुरुषम कृते, कहा जो है रज, रज आदि से उत्पन्न जो वायु के कण होते हैं वह जैसे सूखे पत्तों को उड़ा करके नष्ट कर दिया करते हैं, बाहर कर दिया करते हैं। धूलों के चक्कर से युक्त जो बवंडर जिसको कहते हैं, बवंडर जैसे कहते हैं, जैसे वह जो है हवा के द्वारा उड़ा करके सूखे पत्तों को बाहर ले जाकर छोड़ देती है, उसी प्रकार से जवानी के समय में रजोगुण से उत्पन्न होने वाली जो भ्रांति होती है मनुष्यों के प्रकृति को उसी प्रकार से अपनी इच्छा से अत्यंत दूर खींच ले जाया करती है। जैसे सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, ये तीन जो है ऐसे गुण हुआ करते हैं जो व्यक्ति के अंतर्गत हो जाने पर वह उसको भ्रांति अतिदूरम, भ्रमित करके, रजगुण से प्रभावित होकर के, सदगुण से प्रभावित होकर के, तमगुण से प्रभावित होकर के, वह उसी के भ्रम के कारण वह उस मनुष्य को बहुत दूर खींच करके ले जाता है। कौन? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। कैसे? वात्तेव। यहां पर उपमा अलंकार है मित्रों, कभी कभी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ध्यान देना है। वात्य इव, हवा की भांति। कैसी हवा? क्या है? किससे युक्त है? कहा समुद्भूत रज भांति, धूल आदि के कणों से युक्त जो हवा होती, आंधी, तूफान, बवंडर, तो बवंडर जिसको गांव में कहा जाता है, इससे युक्त जैसे बवंडर होता है, तो वह सूखे पत्तों को, शुष्क पत्रम, सूखे पत्तों को उड़ा करके बहुत दूर ले जाकर के फेंकती है जैसे वह आंधी, वैसे ही युवा अवस्था के प्रभाव में रजोगुण से युक्त होकर के वह युवा अवस्था में आत्म इच्छा, अपने इच्छा अनुसार वह रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण ले जाकर के मनुष्य को, पुरुषम कृति, पुरुषों की कृति को, पुरुषों को बहुत दूर ले जाकर के फेंक दिया करती है। अगली पंक्ति है मित्रों, इंद्रिय हरिण हारिणी, इंद्रिय हरिण
धारिणी च सततम अति दुरंता इयम उपभोग में तृष्टिका। उपभोग में तृष्टिका जैसे मृग तृष्णा कहा जाता है, बालू के रेतों में, सफेद बालू के रेतों में जल का आभास करते हुए जैसे हिरण दौड़ता हुआ चला जाता है, वैसे ही उपभोग मृग तृष्णा, उपभोग की लालच से मृग तृष्णा, मृग तृष्णा इतनी खराब चीज होती है मित्रों कि लालच बुरी बला, लोभा पापस्य कारणम, लोभ ही पाप का कारण होता है और लालच बुरी बला होती है। तो मित्रों कहा गया है इसमें कि इंद्रिय हर हारिणी च सततम अति दुरंता इयम, कहा यह जो है अति दुरंता इयम, अत्यधिक यह जो है कैसी है, दुर्दमनीय है, यह अत्यधिक जो है दुष्ट हुआ करती है। उपभोग में तृष्णा हिरण के समान तृष्णा रखने वाली जो लालच होती है यह बहुत बुरी होती है, यह सभी इंद्रियों को हरण कर लिया करती है, सभी इंद्रियों को अपने बस में कर लिया करती है। उपभोग रूपी मृग तृष्णिका सर्वदा इंद्रिय रूपी हरणों का जैसे विनाश कर दिया करती है, वैसे ही अगर मनुष्य की आसक्ति इन जो है राग से युक्त सतोगुण तमोगुण रजोगुण आदि में अगर आसक्ति लगी तो वह जैसे उपभोग मृग तृष्णिका, जैसे मृग जो है प्यास की इच्छा से जाकर के वो बालू के रेतों में जो है दौड़ते दौड़ते हांफ करके मर जाता है, उसको पानी नहीं मिलता है, वैसे ही व्यक्ति जो है परेशान होकर के और वह भी अंततः अपने जीवन को समाप्त कर देता है। नव यौवन कसाइत आत्मनश्च, नव यौवन कसाइत आत्मनश्च का नवीन अवस्था में, नवीन अवस्था में कसाइत आत्मनश्च अत्यंत जो है नव यौवन द्वारा परिवर्तित मन को जल की भांति वही भोग्य वस्तु में आस्वादित होने पर मधुर लगती है। कहा उपभोग रूपी मृतृष्णिका कैसे हुआ करता है, नव यौवन कसाइत आत्मनश्च सलिनान इन तान विषय विषास्वाद रूपान आस्वाद्यानान। जैसे मित्रों देखिए आंवला अगर आप कभी खाए हो तो आंवला कड़वा होता है, कसैला टाइप का होता है, लेकिन उसके खाने के बाद जब आप पानी पीजिए तो कितना मीठा लगता है, बड़ा अच्छा पानी मधुर लगता है, वैसे ही ये जो है राग जो होती है, आसक्ति जो होती है, किसी के प्रति जो लगाव होता है वह इतनी बुरी चीज होती है कि आसक्त होकर के व्यक्ति पास तो चला जाता है लेकिन बाद में जो है उसको उस समय उसको कैसा अच्छा लगता है, जैसे वह जल कसैले जो है करवे उस जो है आंवले के फल के खाने के बाद जैसे जल मधुर लगता है, वैसे ही ये विषय स्वरूपाणि आस्वाद्यमानानि, विषय वासनाओं का स्वाद भी मधुरताण अप्यापतन्त अत्यंत मधुर लगता, विषय वासनाओं का स्वाद उसी प्रकार से मधुर लगता है मित्रों जैसे आस्वाद्यमान भी मसह मधुरताण अप्यापतन्त, जैसे आंवले आदि के फल के खाने के बाद जैसे जल स्वादिष्ट लगता है, वैसे ही यह आसक्ति हमको रुचिकर लगती है, मधुर लगती है, हमारे मन को जो है अधिक भाती है। तो मनसा मन से मधुर तराण आपतंती मधुरता को प्राप्त होते, इसलिए हे चंद्रापीड हे पुत्र तुम्हें इन सभी वासनाओं से दूर रहना है, इसीलिए मैं तुम्हें उपदेश दे रहा हूं, नहीं तो बाकी तो तुम जो है अप्रतिम रूपत्वम अभिनव यौवनत्वम आमानुशक्तित्वम गर्भे सरत्वम तुम चारों गुणों से युक्त हो, गर्भ से ही तुम राजा हो, अप्रतिम सुंदर भी हो, आमानुशक्त से युक्त हो, जैवी शक्तियों से भी युक्त हो, नाशयत च दिग्मोह इव उन्मार्ग प्रवर्तक पुरुषम अति आसंगह विशेष, पुरुषम अति आसंगह, पुरुषों में देखिए मित्रों यहां पर जो है यण संधि है, पुरुषम अति आसंगो, ठीक है, पुरुषम मां में हलंत हो जाएगा अति, हाँ तो अति में यहां पर अजीनम व्यंजनम परेण संयोज्यम से जो है अजुड़ जाएगा मां में तो मत हो जाएगी, फिर आसंगो यहां पर यण संधि हो जाएगी कोड़ से, विशेष विशेष विषय वासनाओं में, वासना वसनेश युक्त वासना,
कहा विषय वासनाओं में अति आसंगह अत्यधिक आसक्ति, पुरुषः पुरुषों की जो अत्यधिक आसक्ति विषय वासनाओं में होती है कहां ले जाती है, दिनमोहः, दिनमोह मोह माने मूर्छा, इव मूर्छा की भांति उसे उन्मार्ग प्रवर्तक गंदे मार्गों पर ले जाते हुए, कहा विषय वासनाओं की आसक्ति पुरुषों को गंदे मार्ग पर ले जाते हुए नाशयति नाश कर देती है, नष्ट कर देती है। कहा उन्मार्ग प्रवर्तक, कहा गंदे मार्ग पर ले जाते हुए उसको नष्ट कर दिया करती है। तो मैं तो इस प्रकार से ये रहा आपका दूसरा गद्य खंड। दूसरे गद्य खंड में सुखनाथ जी के द्वारा यह बताया गया कि मनुष्य को जो है सभी प्रकार के आसक्तियों से दूर रहना चाहिए। इसलिए हे बेटा चंद्रापीठ, तुम्हारे अंतर्गत तो सारे गुण हैं, इसलिए आसक्ति से तुम दूर रहो। नमो नमः मित्रान, धन्यवाद। अगर ये गद्य खंड आपको अच्छा लगता है मित्रों, तो अपने मित्रों को भी शेयर करिए और सभी को बताइए कि चंद्रा संस्थान में TGT की विशेष क्लास जो है आप लोगों के कहे पर निश्चित रूप से चालू की गई है। ये हमारा लेक्चर 2 आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। नमो नमः मित्रान, धन्यवाद। ये देखिए नंबर है 8299931009। इस पर मित्रों आप जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं या जो भी है आप जो है अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। नमो नमः मित्रान, धन्यवाद।